हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार जगह। सो मैं लेके आया हूँ टोयोटा का टाइजर जो वेरिएंट है, उसका जो बेस वेरिएंट है ई वेरिएंट आता है 7,73,000 उसका एक शोरूम है और ऑन रोड लगभग 9 लाख रुपए के तक ये गाड़ी आता है। तो इसमें क्या फीचर्स दिए हैं हम लोग वॉक अराउंड करेंगे और इंटीरियर में क्या फीचर्स है बहुत शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो टोयोटा के सारे गाड़ियों के जो फीचर्स हैं व्हीकल के डिटेल्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम देख सकते हैं फ्रंट का ग्रिल जो है ब्लैक कलर में, पियानो फिनिश नहीं है बट हाँ ब्लैक ग्रिल यहाँ पर दिया है। यहाँ पर आपको फ्रंट में क्रोम बेजिंग है, टोयोटा का एम्बलम मिल जाएगा यहाँ पे बिग लोगो। यहाँ पे हेडलैम्प जो है येलो प्रोजेक्टर आपको मिलेगा, इंडिकेटर्स के साथ ऊपर डीआरएल जो है येलो कलर में, डीआरएल नहीं है बेसिकली, ये इंडिकेटर्स है और यहाँ पे लाइट दिया है। तो फ्रंट लुक आपको यहाँ से सेम ऐसा दिखता है, अलॉय व्हील नहीं है ये देखिए। टायर जो है स्टील व्हील है और स्टील व्हील के ऊपर व्हील कैप लगा है, 16 इंच का टायर है तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिल जाता है। टॉप एंड को भी 16 है और इसको भी 16 है, ये इसमें एडवांटेज है। तो ए सेगमेंट एसयूवी है, डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे, रूफ रेल्स आपको आ जाएगी, ये एडवांटेज है। यहाँ पे बेस वेरिएंट में रूफ रेल आ रही है, उसके अलावा शार्क फिन एंटीना स्पॉइलर आपको मिल रहा है। टेल लैंप आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग जो लाइट है यहाँ पे वो लाइट नहीं है बट टेल लैंप जो है वो आपको एलईडी टेल लैंप मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एलईडी है, ई वेरिएंट है। चार पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, टाइजर है यहाँ पे लोगो टोयोटा का। हम बूट ओपन करेंगे, बूट में आपको पार्सल ट्रे नहीं है बट आपको पार्सल ट्रे के अलावा 60-40 स्प्लिट मिल जाएगा। ये देखिए 60-40 स्प्लिट करने के बाद काफ़ी अच्छा स्पेस हो जाता है। तो बेस वेरिएंट में अगर आप स्पेस के हिसाब से देख रहे हैं बूट में काफ़ी अच्छा स्पेस हो जाता है। सेकंड रो के स्पेस की अगर मैं बात करूँ, मैंने फिर से सीट को जो फोल्ड की थी मैं फिर से अनफोल्ड किया है, ये देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। रियर एसीमेंट नहीं मिलता है बट चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा। ये सीट और ये जो डोर ट्रिम है वो आपको फैब्रिक में मिलेगा, ब्लैक एंड ब्राउन ड्यूल टोन। तो ये डिफॉगर आपको मिल जाएगा, वाइपर नहीं है बट डिफॉगर है, बहुत अच्छा फीचर है डिफॉगर। एक और हम लोग देखते हैं इंटीरियर में, इंटीरियर देख सकते हैं यहाँ पे की स्टार्ट है, यहाँ पे मैं की से स्टार्ट करना होगा। 773 इसका एक शोरूम है, 9 लाख तक आ जाएगी। म्यूज़िक सिस्टम नहीं है बट आप बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड है, स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं है बट म्यूज़िक सिस्टम अगर आपने लगा दिया तो यहाँ पे आपको बिग साइज़ म्यूज़िक सिस्टम भी, ये इतना फ्रेम है, यहाँ इतने फ्रेम में या पैनल में बिठा सकते हैं। ये पार्किंग लाइट्स हैं, ये मैंने ऑन किया था, या डोर ओपनिंग का यहाँ पे सिंबल आ गया क्योंकि हमारा ड्राइवर डोर ओपन है। यहाँ पे हाई स्पीड एंड 1, 2, 3, 4, 5 रियर गियर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाएगा। यहाँ पे फिनिशिंग टॉप एंड वाली है तो ये जो डिज़ाइन है फ्रंट का वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ सेंट्रल लाइट आपको मिल जाएगा एक, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। बस आपको म्यूज़िक सिस्टम का कमी दिख रहा है बिकॉज ऑब्वियसली बेसिक वेरियंट है, आप बाद में इसमें डाल सकते हैं। बाकी पीछे से सीट्स ऐसे दिखती है और ये आपको फ्रंट में पूरा लुक। तो कैसा लगा दोस्तों, ई वेरिएंट है, इंट्रोडक्टरी वेरिएंट है, एसयूवी चाहिए तो आपको 773 एक्सयूवी 9 लाख तक आ जाएगी। पेट्रोल वेरिएंट है, 1.2 लीटर इंजन के साथ आता है और काफ़ी अच्छा माइलेज भी है, 22.93 का माइलेज क्लेम किया है जो कि आपको काफ़ी अच्छा माइलेज देता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।